हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप देख रहे हैं सो वीक्स व्लॉग। तो देखिए, अगर आप लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए थे इंडिया से, तो हम स्टूडेंट वीज़ा पर थे और उस टाइम पर विक्रांत पीएचडी कर रहे थे और मैं इनके साथ ही आई थी एज अ डिपेंडेंट वीज़ा। तो हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं, काफ़ी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, तो अगर आप लोग यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस कैसे होता है। क्योंकि देखिए, हम उस जर्नी से गुजरे हैं तो हमने सारा जो चीज़ें हैं फॉलो की हैं। तो विक्रांत एक्चुअली अच्छे से आपको बताएंगे, इसीलिए आज वीडियो में विक्रांत मेरे साथ हैं। मोस्टली आप मुझे देखते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट ऑफकोर्स इन्होंने पीएचडी की है तो विक्रांत आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको कैसे पीएचडी अप्लाई करनी है और पीएचडी का जो प्रोसीजर है वो कितना लंबा होता है, मतलब कि कितना टाइम लगता है आपको पीएचडी मिलने में, आपके पीएचडी के लिए क्या आपको फ़ी पे करनी पड़ती है और क्या आपको कोई स्कॉलरशिप्स मिलती हैं तो वो किस टाइप की होती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ओवर टू यू। तो बताओ सबसे पहले कि कैसे पीएचडी आपने अप्लाई की। वेल, अगर आपको पीएचडी करनी है तो पीएचडी से पहले कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो है तो ही आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ना कि जिनके पास मास्टर्स होती है, मास्टर्स के पास सीधे सीधे अप्लाई, मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, पीएचडी यही है। करते हैं ना, पहले बैचलर्स, हाँ, फिर मास्टर्स और फिर पीएचडी। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, शायद किसी को नहीं पता होता, किसी ने अगर बैचलर्स की है उसके साथ अगर एडिशनल वन ईयर ऑनर्स किया है तो भी वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है ना कि जो आपका जो फाइनल ईयर होता है, तो फाइनल ईयर में जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो आपका प्रोजेक्ट रिसर्च बेस होना चाहिए और जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो बिटवीन 20,000 to 40,000 वर्ड होनी चाहिए, विच डेमोन्स्ट्रेट कि आपने रिसर्च की है। और उसके बाद करंट मार्केट, मतलब करंट से जो सिनेरियोज है उसमें आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस बहुत मैटर करती है। जस्ट अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलियन रिसर्च एक्सीलेंस की लिस्ट है जो कि आपको बताती है कि इसमें बहुत सारी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस है कि अगर आपकी उसमें पब्लिकेशंस हैं तो इट मींस इज लाइक कि दैट्स वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज दोज आर वेरी गुड जर्नल्स एंड इफ यू आर पब्लिशिंग योर वर्क देयर देन व्हाट यू हैव डन इज वेरी गुड। तो उससे आपको पीएचडी मिलना आसान हो जाएगा, मतलब दैट्स बोनस फॉर यू। ओके, उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका प्रोफाइल में आपकी रिसर्च पब्लिकेशन, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्लस आपका इंग्लिश लैंग्वेज लेसन सिस्टम। सो कुछ, जब मैंने पीएचडी अप्लाई की थी उस टाइम पे आई थिंक 6.5 ओवरऑल विथ 6 इन ईच सेक्शन अलाउ करते थे, लेकिन करंट सिचुएशन में जैसे अभी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है तो उसमें आपका 7 स्कोर होना चाहिए ओवरऑल प्लस 6.5 आपका ईच सेक्शन में होने चाहिए। ओके, और ये आईएलटीएस का एकेडमिक होना चाहिए ना, जनरल नहीं? नहीं, अगर आप एकेडमिक होना, आईएलटीएस एकेडमिक टॉफिल का स्कोर होता है वो वेरी करता है कि आपको कितना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि टॉफिल का कितना है, 80 है या मोर देन 80 है, देन पीटी है, पीटी भी वेरी करता है, तो वो एक्चुअली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट मैं आईएलटीएस केस में कन्फर्म हूँ बिकॉज नाउ, क्योंकि मैंने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ टेस्मेनिया से की है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेस्मेनिया में फॉर पीएचडी यू हैव टू हैव लाइक 7 ओवरऑल विद 6.5 इन ईच सेक्शन। सो ये आपकी प्री रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास ये है देन इफ यू वांट और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू पीएचडी यू कैन लुक फॉर अ पीएचडी एंड यू कैन अप्लाई फॉर अ पीएचडी। ओके, तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई वो होगी या तो आपके मास्टर्स डिग्री हो या फिर बैचलर्स प्लस आपका 1 ईयर का ऑनर्स हो, आइल्स का स्कोर होना चाहिए आपके पास जो भी है 7 या 6.5, तो ये एक। और अगर आपके पास पब्लिकेशन करंट सिनेरियो में मैं आपको बोलता हूँ कि पब्लिकेशंस इज काइंड ऑफ लाइक मैंडेटरी बिकॉज मोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर दे लुक कि यू हैव एन एक्सपीरियंस इन रिसर्च फील्ड एंड यू हैव अ वेरी गुड रिसर्च आउटपुट, सो पब्लिकेशन काइंड ऑफ मस्ट है।
तो ये तो बात हो गई हमारी कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करना चाहते हैं। नाउ मूव ऑन करते हैं हम सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो ये कि पीएचडी अप्लाई करनी कैसे, कैसे आपको ढूंढना है, मतलब कैसे ढूंढते हैं। जैसे जॉब तो हम लोग ढूंढते हैं ना कि वेबसाइट पे देखा या फिर कंपनी के प्रोफाइल पे गए, वेबसाइट पे गए कंपनीज की और वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो पीएचडी अगर अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे? तो पीएचडी अप्लाई करने के यूजली क्या होते हैं ना, इसके एक दो पाथवेज हैं। जो पहला पाथवे है उसमें क्या होता है कि कोई भी लैब अपनी पीएचडी पोजीशन को एडवर्टाइज करे और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसे कॉन्टैक्ट करें एंड देन वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करें। आपने कैसे किया था? मैंने थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल वे, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट था वो ऑलरेडी एडवर्टाइज नहीं था, तो मेरे केस में जो था मैंने क्या किया था कि जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि अलाइन करता है मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के साथ, कि जो मेरी रिसर्च एक्सपर्टीज स्किल्स थी जो मैंने गेन की थी थ्रू आउट माय बैचलर्स मास्टर्स और रिसर्च एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे मैंने लिस्ट प्रिपेयर की थी, लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, एंड देन मैंने लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स क्रिएट करने के बाद उनको कॉन्टैक्ट किया था एज प्रोस्पेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट इन देयर रिसर्च लैब, और उसमें मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया था विद माई सीवी एंड कवर लेटर। तो कांटेक्ट करने का तरीका दो ऑप्शंस हो गए, एक या तो एडवर्टाइज की हो पीएचडी आप उसके थ्रू अप्लाई करें, या फिर आप खुद सर्च करें कि आपका जो फील्ड है उसके कौन कौन से रिलेटेड प्रोफेसर हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में या जिस भी कंट्री में आप करना चाहते हैं, एंड देन फिर आप उनको पर्सनली अपना सीवी और अपना कवर लेटर ईमेल करें, उसके बाद, राइट? हाँ उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर किसी भी प्रोफेसर को आपका प्रोफाइल अच्छा लगता है और ही और शी माइट बी इंटरेस्टेड, देन दे कॉन्टैक्ट यू एंड देन दे एक्चुअली व्हाट दे डू इज दे अरेंज अ इंटरव्यू। सो हमारे इंटरव्यू केस में यही हुआ था हमारे ना, केस में आपने यही हुआ। ईमेल किया था और फिर आपके सुपरवाइजर का आई थिंक नेक्स्ट डे हाँ तो मैंने ईमेल आ गया था। हाँ तो मैंने क्या किया था, एज एन पोटेंशियल पीएचडी और प्रोस्पेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट करके मैंने मेल डाला था, एंड जो मेरे पीएचडी सुपरवाइजर्स थे दे थॉट लाइक ओके आई माइट बी अ पोटेंशियल पीएचडी कैंडिडेट, सो आफ्टर दैट मेरा मतलब काइंड ऑफ फॉर्मल इंटरव्यू राउंड हुआ था वेयर वी डिस्कस अबाउट माई स्किल्स और उनके मेरे सुपरवाइजर के पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं टुगेदर जिससे कि मैं अपनी पीएचडी कर सकूं। सो मतलब मेन ओवरऑल जो मेन पार्ट है एसेंशियल वो है कि आपके पास अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ पीएचडी, यू हैव टू हैव अ पीएचडी सुपरवाइजर। उसके लिए आपको प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है, आइदर दे हैव अ पब्लिश्ड लाइक दे ऑलरेडी पब्लिश्ड अ एड फॉर अ पीएचडी पोजीशन, और यू पर्सनली कांटेक्ट सुपरवाइजर और प्रोफेसर फॉर अ पीएचडी पोजीशन। बोथ केस में आपको अगर, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ये होता है कि आपको प्रोफेसर्स को मनाना होता है काइंड ऑफ कि अच्छा वो कि मुझे ले आपको लो। कि आप मुझे एज अ पीएचडी स्टूडेंट एक्सेप्ट करो, बिकॉज ओके अभी जो प्रोसेस है वो पीएचडी एप्लीकेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिकॉज आपकी पीएचडी एप्लीकेशन अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। आप अभी क्या कर रहे हो, आप सिर्फ प्रोफेसर्स ढूंढ रहे हो जो कि आपको पीएचडी के लिए बोले कि हाँ भाई मैं आपको सुपरवाइज करने के लिए ओके तैयार हूँ। तो जैसे कि सेकंड स्टेप हो जाता है कि लेट्स से जो भी सुपरवाइजर मिल जाता है तो उसके बाद आप लोग पीएचडी कि एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके तो फिर वो प्रोसीजर कैसे तो होता है एप्लीकेशन का? उसमें क्या होता है कि अगर आप जो पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अगर ऑलरेडी एडवर्टाइज है, तो उसकी जो बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी प्रोफेसर्स के पास रेडी होती है। तो मेनली क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन में आपकी फुल डिटेल्स होती हैं, आपकी एजुकेशन डिग्रीज होती हैं, आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या होता है कि जो आपने थीसिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी है जो कि 20,000 से 40,000 वर्ड्स के बीच में होती है, आपको वो भी सबमिट करनी होती है, आपका सीवी होता है, कवर लेटर होता है, पासपोर्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेजेस लाइक आइल्स होता है, वो सारे वो डॉक्यूमेंट्स आई सारे थिंक डॉक्यूमेंट मेंशन होते होते हैं। होंगे ना। उसके साथ साथ रिसर्च प्लान होता है, जो रिसर्च प्लान होता है वो रिसर्च प्लान आप और आपके सुपरवाइजर दोनों मिलके लिखते हैं जो कि एप्लीकेशन के साथ जाता है। अलॉन्ग विद दैट आपका सुपरवाइजर आपको रिकमेंड करता है और आप जिस स्कूल में मतलब जिस स्कूल में आप पीएचडी करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल लाइक स्कूल ऑफ मेडिसिन है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज हैं, तो जो उसका हेड ऑफ स्कूल होता है वो आपकी एप्लीकेशन को रिकमेंड करता है कि
कि जो कि हम यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं, देन द प्रोसेस इज डिफरेंट कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपने एप्लीकेशन, तब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, देन उसके बाद उनका प्रोसेस चलता है। ये प्रोसेस सबमिशन के बाद आने में कितना टाइम लग जाता है, हमारे केस में कितना टाइम लगा था? यूजुअली क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज का आउटकम का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 to 8 weeks होता है। मतलब आप एक्सपेक्ट करो कि 4 to 8 weeks में क्या होता है कि वो आपको रिप्लाई देंगे, आइदर यू गेट अ पीएचडी और यू वोंट गेट अ पीएचडी, राइट? बट बिफोर 8 weeks यूजली कहते हैं कि आप उन्हें कॉन्टेक्ट ना करो तो अच्छा है, बिकॉज आफ्टर विद इन एट वीक्स मतलब इतना वेट हमें करना चाहिए, उसके बाद हम वापस ईमेल या कुछ कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट रिसर्च ऑफिस को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ओके अगर आप पीएचडी अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन से वो जाती है ग्रेजुएट रिसर्च ऑफिस को, जो कि एक इटसेल्फ डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि टेक केयर करता है सारी की सारी पीएचडी एप्लीकेशंस को। यूजुअली क्या होता है ना कि जब आपकी जो प्रोफाइल होती है, जब आप पीएचडी एप्लीकेशन करते हो, तो जो मोस्ट ऑफ द लैब ग्रुप्स होती है ना, वो फोकस करते हैं कि अगर आपकी डिस्टिंक्शन है तो एक वो भी प्लस पॉइंट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फर्स्ट डिवीजन है या डिस्टिंक्शन नहीं है तो आप पीएचडी अप्लाई ना करो, बट मोस्ट ऑफ द लैब्स होती है वो जो उनकी काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसमें वो काइंड ऑफ एज्यूम करते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करें तो उनकी डिस्टिंक्शन हो, तो एक वो प्लस तरह से वो प्लस पॉइंट है ना, प्लस पॉइंट, बट ऐसा नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, यू कैन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, बट अगर आपकी डिस्टिंक्शन है तो एक वो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट होता है। और दूसरी चीज़ कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो भी थोड़ा सा अंडर कंसिडरेशन होता है, लेकिन वो चीज़ आपके सुपरवाइजर के लिए होती है बस। पीएचडी अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है ना, पीएचडी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि पीएचडी की फ़ी, जो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और एक होता है कि आपको फ़ी के साथ साथ कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है। लाइक जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं ना, उसके बाद होता क्या है, यूजली मेरिट बेस बनाते हैं, वो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपकी आपकी एप्लीकेशन को कितने पॉइंट्स मिले हैं, देन उसके बेसिस पे जो यूनिवर्सिटीज का एलोकेशन होता है फंडिंग वाला, उस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलता है। मतलब बहुत केसेस में ऐसा होता है कि किसी को लिविंग अलाउंस स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस फी 100% फी वेव ऑफ स्कॉलरशिप मिलती है, या फिर ये होता है क्या, किसी को सिर्फ फीस स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन लिविंग अलाउंस नहीं मिलती है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि प्रोफाइल इज़ गुड बट उन्हें दोनों में से कोई भी दोनों में से कोई भी नहीं मिलती है, उन्हें फीस भी देनी होगी और अपना लिविंग अलाउंस भी खुद मिलना होगा। तो उस केस में क्या है कि जो स्कॉलरशिप है ना वो डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेस्मेनिया से किया है, तो हमारे लिए यहाँ पर यूजली होती है वो होती है टेस्मेनियन रिसर्च ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होती है, TGRS बोलते हैं। तो उसमें जो आपकी स्कॉलरशिप होती है वो 3.5 years के लिए कवर होती है। तो उसमें ऑन एन एवरेज जो आपकी जैसे अगर हम करंट रेट की बात करते हैं तो अप टू $28,000 में टैक्स फ्री आपको ईयरली मिलती है, प्लस आपको फी स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि डिपेंड करता है आपके कि आप किस डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे हो, तो जो कि वेरी करता है बिलीव लाइक 35,000 से 47,000 to 48,000 पर ईयर, डिपेंड ऑन कि आप किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। और पीएचडी हमें कंप्लीट करनी होती है विद इन 4 years और 3.5 years। सो आपकी जो पीएचडी होती है, जो पीएचडी की ड्यूरेशन है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है फी वाली, तो वो 4 years के लिए कवर होती है, लेकिन जो आपकी लिविंग अलाउंस स्कॉलरशिप होती है वो 3.5 years के लिए होती है। तो यूजली क्या होता है कि हर एक यूनिवर्सिटी पुश करती है हर एक पीएचडी स्टूडेंट को कि वो विद इन 3.5 years में अपना थीसिस सबमिट कर दे। तो ये होता है कि आपकी फीस पूरी वेव ऑफ हो जाए, दूसरा ये कि फीस भी वेव ऑफ हो जाए और आपको लिविंग अलाउंस भी मिल जाए, और तीसरा ये होगा कि आपको कुछ भी ना मिले। ठीक है, एक और एडिशनल चीज होती है, वो ये होती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज, आई थिंक मोस्टली यूनिवर्सिटीज, अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है तो रीअलोकेशन अलाउंस भी देती हैं, और वो अप टू 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रीअलोकेशन अलाउंस भी आपको मिलता है। एंड ऑफ कोर्स आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं पीएचडी करने के लिए, तो आपके पास 20 आवर्स के वर्किंग राइट्स होते हैं, आप 20 आवर्स तक वर्क कर सकते हैं इजीली। जो आपकी वीज़ा, मतलब जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको अलाउ होता है कि आप अप टू विद पीएचडी अप टू 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं, बट यूजली होता क्या है कि अगर आप पीएचडी करने आ रहे हैं तो आपको उतना टाइम मिलता नहीं, और आपकी लिविंग अलाउंस नहीं मिलता है। लिविंग अलाउंस देखा है हमने, नहीं मिलता है। तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो एक्चुअली करंट सिनेरियो में, बिकॉज करंट सिनेरियो में फॉर अ इंडिविजुअल वो स्कॉलरशिप इज मोर देन एनफ। कोई और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एप्लीकेशन के लिए या किसी चीज और के लिए? आई थिंक हाँ, एक रेफरेंस और रिकमेंडेशन लेटर।
तो क्या होता है, आपने पीएचडी एप्लीकेशन कर दी, अगर आपका पॉजिटिव पीएचडी आउटकम आता है जिसमें आपको लिविंग अलाउंस और फी स्कॉलरशिप मिली है और आपको रिलोकेशन अलाउंस भी मिला है, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपको यूनिवर्सिटी को मेल डालना होता है कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट ऑफर एंड यू आर विलिंग टू जॉइन द पीएचडी। उसके बाद जो मेन स्टेप होता है वो होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, जो होता है ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, ओ एस एच सी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी होल पीएचडी ड्यूरेशन के लिए एट अ वन टाइम पेमेंट देना होता है। तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे किया तो उसके बाद एज अ रिसिप्ट आपको इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर होता है वो आपको एक अप्रूवल लेटर, आपको एक कंफर्मेशन लेटर दे देता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले लिया है। उसके बाद उस लेटर के साथ, ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर के साथ, आप यूनिवर्सिटीज को कॉन्टैक्ट करते हो एंड उसके बाद वो आपको इशू करते हैं COE, विच इज कैंडिडेचर ऑफ एनरोलमेंट। एक बार अगर आपके पास COE आ जाता है, वो एक मेन डॉक्यूमेंट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और फिर आप वीज़ा अप्लाई कर देते हो, जो इट्सेल्फ एक अलग टॉपिक है। सो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी कैसे अप्लाई करनी है। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, विक्रांत आपको आंसर कर देंगे। एंड वीज़ा की जो एप्लीकेशन फिर करते हैं वो एक काफ़ी लंबा और डिफरेंट टाइप का प्रोसीजर है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।